नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की 30 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन का 7 घंटे का दौरा किया, जहां उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में भारत विरोधी भावनाओं के मद्देनजर एसपीजी के 60 जवान उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर शांति की अपील की। हिमाचल प्रदेश सरकार चंडीगढ़ कुल्लू धर्मशाला को जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। सीएम सुक्खू ने बताया कि इन सुविधाओं से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। कॉग्निजेट की सहायक कंपनी ट्राइजेटो ने भारतीय आईटी दिग्गज इन्फोसिस के खिलाफ टेक्सास की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। ट्राइजेटो ने इन्फोसिस पर हेल्थ इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर से संबंधित व्यापार रहस्यों का दुरुपयोग करने और कॉग्निजेट के डेटाबेस तक अवैध पहुंच बनाने का आरोप लगाया है। बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए sarthi.parivahan.gov.in और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए parivahan.gov.in पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। गेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख बदल गई है। जहाँ पहले आवेदन आज से शुरू होने थे, वही रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक अब 28 अगस्त से फॉर्म भरा जा सकता है। क्रिकेटर शिखर धवन ने 24 अगस्त को अपने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू करियर को अलविदा कह दिया। अपने परिवार, कोच तारक सिन्हा और मदन शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। बिहार सरकार ने बीज डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बनने के इच्छुक लोगों के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 17/9/24 है। आवेदन करने के लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.brbn.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 2018 से 2023 तक भारतीयों ने 114 देशों में नागरिकता हासिल की। इस अवधि में 70 लोगों ने पाकिस्तानी, 130 ने नेपाली और 1500 ने केन्याई नागरिकता अपनाई। सबसे अधिक लोग अपनी नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाना पसंद कर रहे हैं। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को विशेष धार्मिक महत्व के साथ मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त रात 12:01 से 12:45 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर इस बार स्वार्थ सिद्धि योग के तहत होगी, जो 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त को सुबह 5:57 तक चलेगा। व्रत के पारण के लिए 3 अलग-अलग समय की सुविधा उपलब्ध होगी। मुंबई में डेंगू के मामलों की वृद्धि के बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मच्छरों को नष्ट करने वाले एक अनोखे उपकरण का वीडियो शेयर किया है। इस उपकरण को आयरन डोम बताते हुए उन्होंने बताया कि ये चीनी आविष्कारक द्वारा विकसित किया गया है। महिंद्रा ने इसे डेंगू के खिलाफ एक संभावित समाधान के रूप में पेश किया है। 1 सितंबर से फर्जी कॉल्स पर रोकथाम के लिए नए नियम लागू होंगे और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होगा। 2-व्हीलर पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एलपीजी के दामों में भी संशोधन किया जाएगा। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मौत को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने बड़ी टिप्पणी की है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये इंसानी उदासीनता और लालच के प्रति प्रकृति की प्रतिक्रिया की एक और मिसाल है। अमेजन इंडिया ने फेस्टिवल सीजन से पहले विभिन्न प्रोडक्ट कैटेगरीज में सेलिंग फीस में 12% की कटौती की है। इस फैसले से छोटे कारोबारी और किफायती उत्पाद बेचने वाले को विशेष लाभ होगा। कंपनी ने कहा कि इससे सेलर्स को फायदा होगा। बिहार के बगहा में भीतहा के चनरपुर में गंडक नदी में नाव डूबने से 6 लोग लापता हो गए हैं। सभी लोग दियारा जा रहे थे जब हादसा हुआ। स्थानीय प्रशासन और SDRF टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2021 में लागू किए गए आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक हो और टोल लेने में 10 सेकंड से ज़्यादा लगे तो बूम बैरियर खोल दिया जाएगा। NHAI ने अब ये नियम रद्द कर दिया है, क्योंकि इसका अनुपालन ठीक से नहीं हुआ। शीशु पर दाग धब्बे हटाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, सिरके और बेकिंग सोडा का उपयोग करें। ये न केवल दाग धब्बों को आसानी से हटा सकते हैं, बल्कि शीशे को चमकदार भी बनाएंगे। नियमित सफाई और सही तकनीक अपनाकर आप अपने घर के शीशों को नए जैसा बना रख सकते हैं।
भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच आगामी सितंबर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह युद्धाभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा और इस सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज का 20वां संस्करण है। एक हालिया सी वोटर सर्वे में 49% लोगों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे पसंदीदा नेता बताया, जबकि 7% ने सचिन पायलट को उनकी जगह पर उपयुक्त माना। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 6% और 4% लोगों ने पसंद किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 28 सीटों पर दावेदारी की है, जिससे बीजेपी की चिंता जो है बढ़ गई है। चिराग पासवान ने रांची में लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई हुई महिला पहलवान विनेस फोगाट की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये काल्पनिक सवाल है और किसी भी पार्टी में शामिल होने की स्थिति में सभी को सूचित कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे एक फेक मैसेज में दावा किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से इबोला वायरस हो सकता है, जो कि पूरी तरह से झूठा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को फेक और असत्य बताया है। नागरिकों को ऐसे फर्जी जानकारी से बचने और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली प्रीमियर लीग में पहली हैट्रिक का खिताब पुरानी दिल्ली 6 के गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने नाम किया। उन्होंने सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ 18वें ओवर में लगातार 3 विकेट लेकर यह उपलब्धि प्राप्त की। प्रिंस ने कहा कि ये उनके लिए खास पल है। IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल की 12वीं की मार्कशीट इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने सन 2000 में UPSC परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त कर अपनी सफलता का परचम लहराया। गोल्डमैन सक्स ने भारत की GDP ग्रोथ दर अनुमान को घटाते हुए 2024 के लिए 6.7% और 2025 के लिए 6.4% की भविष्यवाणी की है। यह कटौती सरकार के खर्च में कमी और अप्रैल जून तिमाही में 35% की गिरावट के कारण की गई है। हालांकि RBI ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2% की ग्रोथ दर का अनुमान लगाया था। श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी नाव को अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि उन्होंने श्रीलंकाई सीमा पार की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया और मछुआरों की शीघ्र रिहाई की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें सोनिया गांधी अपने पसंदीदा पपी को अपने पीठ पर बांधे हुए हैं। राहुल ने तस्वीरों के साथ बताया कि यह पपी उनकी माँ का फेवरेट है। इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने राहुल से ऐसी और तस्वीरें साझा करने की मांग की है। एप्पल ने घोषणा की है कि वे 10 सितंबर को अपने सालाना इवेंट में आईफोन 16 सीरीज पेश करेंगे। इसके साथ ही एयरपॉड्स और एप्पल वॉचेस के नए वर्जन भी लॉन्च किए जाएंगे। तकनीकी प्रेमियों के लिए ये एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। मॉनसून के दौरान कार धोते समय फ्यूल फिलर, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सेंसर्स को पानी से बचाना जरूरी है, ताकि शॉर्ट सर्किट और महंगी मरम्मत से बचा जा सके। इंटीरियर को भी सूखा रखना महत्वपूर्ण है, वरना सुरक्षा में कमी हो सकती है। ब्रेक और सस्पेंशन में पानी से जंग लग जाता है, जिससे कार की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है सपना कुमारी, गोनर शर्मा, जितेंद्र कुमार, नीतीश कुमार सिंह, प्रिंस पासवान, राम बाबूदास, राजन कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।